और एक बड़ी खबर, हरीश रावत ने खुद के हादसे की जानकारी दी है और कहा है अस्पताल में चेकअप हुआ, सब ठीक है। उन्होंने लिखा, हल्द्वानी से काशीपुर आते वक्त बाजपुर में मेरी गाड़ी थोड़ा सा डिवाइडर से टकरा गई थी, तो थोड़े हल्के फुल्के झटके लगे हैं, उसके लिए हॉस्पिटल में चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने सब ठीक बताया है और डिस्चार्ज कर दिया है। ये जानकारी हरीश रावत ने अपने हादसे को लेकर। शैलेंद्र नेगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अपने साथ हुए हादसे के बारे में हरीश रावत ने बताया है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ ठीक है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, हरीश रावत कल देर रात हल्द्वानी से बाजपुर होते हुए काशीपुर की तरफ जा रहे थे, तभी काशीपुर के पास में उनकी कार में एक तेज धमाका हुआ है ऐसा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से, और इस धमाके के साथ ही कार जो है डिवाइडर से टकराई। स्थानीय लोग, क्योंकि कल विजयादशमी का मेला था तो वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने इस कार को देखा और उसके अंदर मौजूद पूर्व सीएम हरीश रावत की तुरंत मदद की गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल में जहां डॉक्टरों ने उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं थी, उनका सिटी स्कैन भी हुआ है देर रात और एक्सरे भी किया गया पहले, लेकिन कोई गंभीर चोटें उनको नहीं थी। उनके साथ उनके गनर और पीए भी मौजूद थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। उसके बाद हरीश रावत रवाना हो गए फिर काशीपुर के लिए, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया कुल मिलाकर। अगर लोग वहां पर चौंक गए पूर्व सीएम हरीश रावत को इस हालात में देखकर, और उनकी बहुत महंगी कार है, लेकिन जो उसमें एयर बलून्स लगे होते हैं वो भी नहीं खोले, तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और हरीश रावत क्योंकि एस्कॉर्ट के साथ नहीं चलते हैं, उन्होंने एस्कॉर्ट छोड़ दी है, तो ऐसे में वो एक सामान्य कार की तरह चल रहे थे, लेकिन उसमें गनर उनके साथ मौजूद थे, लेकिन सभी लोग इसमें सुरक्षित हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका। सपा और कांग्रेस के बीच की तल्खियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चित्रकूट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव का बताया गया। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया और 2024 के चुनावी चक्रव्यूह की अब बात करते हैं। 2024 का चुनावी चक्रव्यूह तैयार है। इस व्यू में सबसे पहले फंसे हैं इंडी गठबंधन के 2 अहम दल कांग्रेस और सपा। अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान और पीएम वाले पोस्टर से सपा ने जो ट्रेलर दिखाया उसके जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव को पूरी फिल्म ही दिखा डाली। प्रमोद कृष्ण से लेकर प्रमोद तिवारी तक और पहले अजय राय के बयानों से अब यह साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन का अनौपचारिक दी एंड हो चुका है और बस अब औपचारिक ऐलान बाकी है। फूलों की आहुति देकर के हम गठबंधन नहीं करना चाहते कि चुनाव आते आते गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, कि हम इस गठबंधन महागठबंधन में ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये चुनाव से पहले टूटना तय है। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले सीएम भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेकर बहुत सारी हो गई थी, तो परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता, देश जानता है। ये वार है अखिलेश पर मंत्री जयवीर का। सपा के गढ़ से बीजेपी अखिलेश को ललकार रही है तो साथ ही गठबंधन वाली कांग्रेस सपा पर ताने मार रही है। गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, वो चुनाव आते आते छिन्न भिन्न हो जाएगा। सीएम भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेकर बहुत सारी हो गई थी, ये परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता, देश जानता है उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या आया। और मैं समझता, यानी अखिलेश ने चिरकुट वाला बयान क्या दिया, बखेड़ा थम ही नहीं रहा। कांग्रेस नेता तो अखिलेश को उनकी ताकत का एहसास कराने पर आमादा हो गए। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति देकर के हम गठबंधन नहीं करना चाहते।
अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। वार एक तरफा नहीं चौतरफा है। सियासत के सेंटर में अखिलेश हैं, लेकिन समर्थन नहीं शब्द बाढ़ के सेंटर में। पहले बीजेपी ने घेरा, फिर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने खुलकर ललकारा, और अब बीएसपी के तेवर भी सुनिए जो अखिलेश को चुभने तय है। मैं तो पहले भी कहते आया हूँ कि हम इस गठबंधन महागठबंधन में ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये चुनाव से पहले टूटना तय है। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने उनकी वो अखिलेश वखिलेश कह के जो बेइज्जती करी है, तो उनके लोगों का इस तरीके का रिएक्शन ये स्वाभाविक है। और देश में 6.5 करोड़ के करीब वोट मिला उनको उत्तर प्रदेश में जो एमएलए के चुनाव हुए, और हमें 13.5% कुमारी बहन मायावती जी को और हमको 13.5% वोट मिला। हमारा भी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में जनाधार है, कांग्रेस का कुछ जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं। यानी इंडी गठबंधन में एक बड़ी गांठ पड़ चुकी है, मन के मलाल खुलकर सामने आ चुके हैं। चुपते शब्दों से नेताजी लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन दावा अब भी किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन साथ है, जबकि प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि उसूलों से समझौता नहीं, और कमलनाथ कहते हैं अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश की बातें। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति दे करके हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। पहले अजय राय और अब प्रमोद कृष्णम के बयान से साफ है कि कांग्रेस 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। सवाल ये है कि फिर अखिलेश किसके दम पर गठबंधन की हुंकार भर रहे हैं। वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे, और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाव पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी 2019 के नतीजे देखें तो एनडीए गठबंधन ने 62 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। बीएसपी 10 और एसपी के खाते में परिवार समेत सिर्फ 5 सीटें गई थी। यानी मोदी लहर में कांग्रेस से लेकर एसपी तक सब साफ हो गए, लेकिन दम भर रहे हैं 80 में से 80 सीटों पर लड़ने का। यानी इंडी गठबंधन का अनौपचारिक दी इंड हो चुका है। देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले क्या सियासी समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने फरियादियों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को निस्तारण का आदेश दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, फरियादियों की फरियाद सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर की खबर, जहां पर जनता दरबार लगाया है सुबह सवेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।